ओके सो आई जस्ट कंप्लीटेड दिस कमीशन पोर्ट्रेट और इसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की प्लानिंग करनी चाहिए एक पेंटिंग बनाते हुए ठीक गाइस वेलकम बैक टू द चैनल सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे मेन पॉइंट्स जिनको यूज करके और ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको अगर आप समझ के और अपनी पेंटिंग्स में यूज़ करते हैं तो आपकी पेंटिंग्स न्यू इम्प्रूव हो जाएगी तो चलिए विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स मूव टू द पॉइंट और बात करते हैं कौन से हमारे मेन पाँच पॉइंट्स पॉइंट नंबर फाइव इफ इट्स वर्थ पेंटिंग इट्स वर्थ प्लानिंग यानी कि आप जो भी पेंटिंग बना रहे हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम उसकी प्लानिंग में भी देना चाहिए यानी कि आपको उसका प्लान बनाना चाहिए कि मुझे ये पेंटिंग किस किस तरीके से करनी है इसकी कलर स्कीम क्या रखनी है वगैरह वगैरह और सबसे मेन जो चीज़ की आपको प्लानिंग करनी चाहिए वो है प्लेसमेंट कि आपके कैनवस पर सब्जेक्ट जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसकी प्लेसमेंट आपको कैसे करनी है क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स इसी चीज़ में गलती करते हैं कि उनका जो मेन सब्जेक्ट है वही अच्छे से प्लेसमेंट उसके नहीं होते तो फिर पेंटिंग इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगती है ओके सो आई जस्ट कम्प्लीटेड दिस कमीशन पोर्ट्रेट और इसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की प्लानिंग करनी चाहिए एक पेंटिंग बनाते हुए फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो भी आपकी पेंटिंग है उसका आप एक रफ़ सा स्केच बना लीजिए जहाँ पर आपको आइडिया हो जाए कि मुझे ऊपर में कितना स्पेस छोड़ना है नीचे कितना स्पेस छोड़ना है और इस तरीके की चीज़ों का आपको आइडिया हो जाए और इसको आप बहुत जल्दी बना सकते हैं आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है तो मेन मैंने ये पोर्ट्रेट बनाया उसके बाद मैंने इसमें से जो सेवेंटी परसेंट मेरी मिस्टेक्स थी वो मेरी यहीं पर मैंने ठीक कर ली जैसे कि ये जो हेयर लाइन है ये काफ़ी सीधी जा रही है लेकिन जो हमारा मेन पोर्ट्रेट है उसमें हमने इसको करेक्ट कर लिया है दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो एरिया है ये जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर दिखाता हूँ ये आप यहाँ पर देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है और यहाँ पर मैंने इसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिला दिया है हेयरलाइन से तो ये स्केच बनाने का मेन रीज़न यहाँ पर ये है कि जो भी मिस्टेक्स मैंने उस स्केच के अंदर की हैं उनको मैं नोट डाउन कर लूँगा और फिर मैं पेंटिंग के अंदर उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकता हूँ और उन्हें ठीक कर सकता हूँ हमारे मेन पेंटिंग के अंदर अगर बाई चांस मैं यही सेम चीज़ अगर मैं सिर्फ सीधा कैनवस के ऊपर स्टार्ट करता तो ऐसा नहीं है कि वो मैं ठीक नहीं कर सकता था वो ईज़िली ठीक हो जाती लेकिन उसी चीज़ को बनाने में मुझे सेम पेंटिंग को बनाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता तो इस तरीके की प्लानिंग इस तरीके की स्केच अगर आप कर लेते हैं पहले तो उससे आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है क्योंकि आपको पहले से ही मालूम हो जाता है कि भाई कितना बड़ा मुझे चीज़ें रखनी है कहाँ पर मेरे हेयर्स होंगे यू नो अगर कुछ चीज़ें आपको एडजस्ट करनी है तो आप उसके स्केच में ही आपको मालूम हो जाता है कि भाई मैं ये चीज़ें एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पर अब हम पॉइंट नंबर फोर की बात करते हैं डिसाइड द कलर स्कीम ऑफ योर पेंटिंग एंड फोकल पॉइंट यानी कि जो भी आपकी कलर स्कीम आप उसमें यूज करने वाले हो जो भी कलर्स उसमें यूज करने वाले हो, उनको पहले से डिसाइड कर लीजिए जब भी आप अपनी पेंटिंग के लिए कलर स्कीम चूज़ कर रहे हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक सिंपल मेथड यूज़ कर सकते हो और ये हमेशा वर्क करेगा आपकी पेंट हमेशा निखर के आ जाएगी अगर आप ये कलर स्कीम यूज़ करते हो तो बहुत सिंपल है आप अपनी पेंटिंग के अंदर एक कलर आइडेंटिफाई कर लीजिए जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है यानी कि जो आपकी पेंटिंग में सबसे ज़्यादा ब्राइट कलर है जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग इस पेंटिंग के अंदर देखें तो यहाँ पर ये पिंक सा रेड कलर हमारा सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट है यानी कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कलर है तो अब इस पिंक या फिर रेड कलर का जो अपोज़िट कलर है वो कलर लेके, यानी कि मैं अगर इसमें आता हूँ तो यहाँ पर हमारा रेड कलर है और इस रेड कलर का अपोज़िट है ग्रीन तो इस ग्रीन कलर को जो भी और मैं इस पेंटिंग में कलर्स यूज़ करने वाला हूँ उनके अंदर मुझे ऐड कर देना है दैट्स इट। वहाँ पर मेरा काम हो जाएगा और आपकी पेंटिंग विजुअल क्लैरिटी के साथ एकदम निकल के आएगी अगर आप ये कलर्स कीम यूज़ करते हो तो और भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं कलर स्कीम्स के अलग 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 वो आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं ये हमेशा वर्क करेगा अब बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री की डो नॉट यूज़ मोर देन फाइव कलर्स जितने ज़्यादा आप अपने पैलेट के ऊपर कलर्स बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा एक ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हो जाएंगे और एक केयस हो जाता है पैलेट के ऊपर ही और पैलेट के ऊपर जैसी स्थिति होगी वही स्थिति आपकी पेंटिंग में भी नज़र आएगी तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि पाँच कलर से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करने चाहिए स्टार्टिंग में जब आप बिगिनर हैं तो जैसे कि मैं आपको इसका इस पेंटिंग का पैलेट दिखाता हूँ जिससे मैंने ये पेंटिंग बनाई है तो ये पैलेट आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्रेलिक कलर से ये पेंटिंग मैंने बनाई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी कलर्स हैं जो मैंने इस पेंटिंग के लिए यूज़ किए हैं तो इसमें मेन आप एक चीज़ देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ तो जो पैलेट में कलर्स हैं वो काफ़ी सिस्टम से रखे गए हैं यानी कि लाइट टू डार्क की तरफ है अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर टू की तरफ कीप विजुअल क्लैरिटी विजुअल क्लैरिटी से हमारा क्या मतलब है विजुअल क्लैरिटी यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है आपकी जो पेंटिंग में मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ उसमें दिखना चाहिए जैसे कि हमारा ये पोर्ट्रेट है तो अब आप कहूँगा कि यार एक पोर्ट्रेट में मुझे विजुअल क्लैरिटी क्या ही दिखाने की ज़रूरत है लेकिन मैं आपको यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा जैसे अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो फेस है इस फेस को छोड़ के आप कहीं और देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी डिटेलिंग नज़र नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पर मुझे डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है अब ऐसा नहीं है कि मैं इसको इससे ज़्यादा डिटेल नहीं बना सकता बट उसकी ज़रूरत नहीं है तो आपको ऐसा अगर आप सोचते हैं कि मैं जितना ज़्यादा पेंटिंग डिटेल्ड बनाऊंगा वो उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी ऐसा कतई नहीं होता है मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जितनी ज़्यादा पेंटिंग डिटेल्ड होगी वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी ना? मैं आपको इसका मेन रीज़न बताता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ़ इस एरिया में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल किया है और इससे ज़्यादा डिटेल मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी नीचे वाले पोर्शन में मैंने इतना ज़्यादा डिटेल नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि आपका ध्यान जाए मेरा मेन फोकस है कि आपका ध्यान जो है वो सिर्फ़ यहाँ पर जाए बैकग्राउंड में आपको कोई डिटेल नज़र नहीं आएगी नीचे आपको कोई डिटेल नज़र नहीं आएगी और यहाँ पर आपको बिल्कुल लेस डिटेल नज़र आएगी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका ध्यान यहाँ पर जाए सीधा आप इस एरिया के मुकाबले यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स हो रहा है बैकग्राउंड में मामला वो जानबूझ कर किया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एकदम क्रिस्प एज है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका फोकस यहां पर जाए आप जब पेंटिंग को देखो तो आप यहां पर देखो अब इसमें इससे ज़्यादा डिटेल्स मुझे करने की ज़रूरत नहीं है क्यों अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये पेंटिंग मान लीजिए जहाँ पर भी लगेगी ये दीवार पर मान लीजिए पेंटिंग लगी है और पाँच से दस फीट की दूरी से कोई भी बंदा इस पेंटिंग को देखता है तो मेरे हिसाब से इसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन है कि उस बंदे को यहाँ से वो पेंटिंग अच्छे से नज़र आएगी इससे ज़्यादा डिटेल अगर मैं करता हूँ तो उस डिटेल को नोटिस में भी करने के लिए अगर उस डिटेल को देखना भी है आपको तो भी आपको बहुत नज़दीक से पेंटिंग देखनी पड़ेगी और वो दीवार पर लगी पेंटिंग को आप इतनी नज़दीक से नहीं देखोगे अ पेंटिंग इज़ मेंट टू बी लुक्ड फ्रॉम डिस्टेंस आपको बहुत ज़्यादा डिटेल करने की पेंटिंग में ज़रूरत नहीं है जो पेंटिंग बहुत छोटी है या फिर जो आपको पता है कि भाई इस पेंटिंग को जहाँ पर डिस्प्ले होगी बहुत नज़दीक से देखा जाएगा वहाँ पर आप उसमें डिटेलिंग कर सकते हैं इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर वन की तरफ जो कि सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है और वो ये है कि आपको इस वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स को मिला के यूज़ करना है एक साथ अगर आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाना चाहते हो तो आप इन सभी चीज़ों को मिला के यूज़ करें और इन सभी चीज़ों के साथ साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइट और डार्क कलर्स के लिए अलग अलग ब्रशेज यूज़ करें ताकि आप मडी कलर्स को अवॉइड कर सकें मडी कलर्स यानी कि आपने मान लीजिए डार्क कलर के साथ कोई ब्रश यूज़ किया है और फिर वही सेम ब्रश आप लाइट कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं इवन आपने उस ब्रश को वॉश कर लिया है तो भी थोड़ा बहुत उस डार्क कलर उसके अंदर रह जाता है जो कि आपकी पेंटिंग को डिस्टर्ब करता है सो so, आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए हैप्पी पेंटिंग आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया